दिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम खबर, गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में बिजली गुल। पिछले 16 घंटे से अस्पताल में अंधेरा, ओपीडी में मरीजों की लगी भारी भीड़। तो वहीं टॉर्च की रोशनी में हो रहा इलाज, तो मरीजों को कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। केबल में फॉल्ट के चलते बिजली सप्लाई ठप हुई है और ऐसे में बीते 16 घंटों से जहां अस्पताल में बिजली ना होने की वजह से मरीजों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे गुरुग्राम के सिविल अस्पताल की, जहां बिजली गुल होने की वजह से पिछले 16 घंटे से अस्पताल में अंधेरा छाया हुआ और ऐसे में ओपीडी में मरीजों की भारी भीड़ भी लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ टॉर्च की रोशनी में इलाज हो रहा है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां मरीजों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं केबल में फॉल्ट के चलते बिजली सप्लाई ठप हुई है, तो अस्पताल में बत्ती गुल होने से मरीजों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां लगातार अस्पताल में इलाज के लिए मरीज पहुंच रहे, तो वहीं बत्ती गुल होने की वजह से अस्पताल में अंधेरा छाया हुआ है, जिस वजह से टॉर्च की रोशनी में इलाज हो रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आकाश खुराना हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं अस्पताल की, बत्ती गुल है और ऐसे में मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, दिल्ली से सटे साइबर क्षेत्र पर अपनी अलग पहचान बनाई है। और वहीं बात करें, अब काफी जो लोग हैं बाहर से भी इलाज कराने गुरुग्राम में आते हैं, लेकिन अब गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में, एकमात्र सिविल अस्पताल में जो बिजली जो है वो पिछले 16 घंटे से जो है गुल है, जिससे काफी दिक्कत जो है मरीजों को आ रही है। साथ ही साथ बात करें गुरुग्राम के जो सिविल अस्पताल की, तो काफी मरीज काफी मरीज जो है उनको दिक्कत आ रही है। साथ ही जो नवजात शिशु बच्चों हैं उनका भी जो है गर्मी से बुरा हाल हो रखा है और जमीन पर जो है ये बच्चे बैठे हुए हैं। साथ ही साथ डॉक्टर जो है अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर जो है जी आकाश, ये भी जानना चाहेंगे अस्पताल प्रशासन का क्या कुछ कहना है, 16 घंटे से बिजली गुल है, कब तक बिजली जो है बहाल की जाएगी? देखो, जो बात करें कि SMO डॉक्टर हैं जो अलकर सिंह, उनकी माने तो सिविल अस्पताल में जो अंडरग्राउंड जो है अपना इलेक्ट्रिक केबल है उसमें खराबी के चलते जो है पिछले 16 घंटे से बिजली गुल है। लेकिन इसकी कंप्लेंट जो है कल शाम में ही बिजली बोर्ड में कर दी गई थी, लेकिन अभी तक जो है बिजली नहीं आई है और लगातार जिस तरीके से अंडरग्राउंड जो केबल है उसमें दिक्कत आई, उसके बाद से ही पूरे अस्पताल की जो बिजली है वो गुल हो गई। लेकिन हालांकि इमरजेंसी और जो गायनी वार्ड है उसमें किसी तरीके से जो है बिजली का प्रबंध जरूर किया हुआ है, क्योंकि इमरजेंसी में जिस तरीके से देखा जाता है कि जो मरीज है वो इमरजेंसी में आते हैं, तो कहीं ना कहीं उस इमरजेंसी और गायनी वार्ड में तो फिलहाल बिजली का प्रबंध किया गया है। लेकिन पूरे अस्पताल की अगर बात करें तो पूरे अस्पताल में कल शाम से ही जो है बिजली गुल है, जिससे काफी दिक्कत जो है वो लोगों को आ रही है। साथ ही साथ मरीजों को जो वहाँ मरीज भर्ती है उनको भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि गर्मी से एक तरफ जहाँ गर्मी का जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ अब बिजली जिस तरीके से गुल हो गई, तो काफी परेशानी इससे जो है मरीजों को झेलनी पड़ रही है। जी बिल्कुल, ये भी जानना चाहेंगे विभाग का क्या कुछ कहना है, कब तक बिजली बहाल होगी, कब तक ऐसे ही इलाज करना पड़ेगा मरीजों का? अब एक तरफ तो जिस तरीके से अस्पताल जो प्रबंधन है वो मरीजों को कोई समस्या ना होने का हालांकि दावा जरूर कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से कल शाम से ही बिजली नहीं है पूरे सिविल अस्पताल की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं जरूर परेशानी जो है मरीजों को यहाँ उठानी पड़ रही है। और साथ ही साथ छोटे छोटे जो बच्चे हैं और उनको भी जिस तरीके से जो इलाज के लिए गुरुग्राम के ये सिविल अस्पताल में आते हैं, तो कहीं ना कहीं काफी परेशानी जो है उनको उठानी पड़ रही है। साथ ही साथ जो मरीज सिविल अस्पताल में भर्ती हैं, जो पहले से ही भर्ती हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी जो है गर्मी की मार जो है वो झेलनी पड़ रही है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि कब तक जो है ये बिजली सिविल अस्पताल में आती है, क्योंकि लगातार कल शाम से ही बिजली बोर्ड के जो अधिकारी हैं जब कंप्लेंट वहां पर की गई थी तो तभी जो है पहुंच गए थे, लेकिन अभी तक जो है समस्या का हल नहीं हो पाया है, इससे काफी परेशानी हो रही है। और साथ ही साथ बात करें, अब देखने वाली बात यह है कि कब तक जो है सिविल अस्पताल में बिजली आती है।
जी बिल्कुल आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही थी, जहां गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में बीते 16 घंटों से बिजली गुल है और ऐसे में मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।